सोनभद्र के सटे जिला संगरौली में बुधवार की रात में हुई बारिश में एक्सआर पावर बदोरा का राखड़ डैम कमजोर और कंपनी की लापरवाही से बनाया गया था, जो कि बांध ओवरफ्लो होकर फूट गया। डैम का निर्माण 10 साल पूर्व राखड़ के निर्मित किया गया था, जबकि निर्माण मिट्टी और बोल्डर से कराया जाना चाहिए था। राखड़ बांध तटबंध टूटने से आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही मची है। चारों ओर पानी ही पानी है, लोग काफी परेशान हैं, दर्जनों घरों में पानी भर गया है। वहीं खैराही और करसुआ लाल गांव की हजारों एकड़ खेती तबाह हो गई और किसानों की गृहस्थी की कमर टूट गई है, उनका जनजीवन प्रभावित हो गया है। डैम का राखड़ युक्त मलवा पानी लोगों के घरों व खेतों में भरकर किसानों की फसलों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। जानकारी होते ही रात में ही जिला प्रशासन समेत तमाम प्रशासनिक अमला दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रभावित स्थानीय लोगों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित परिवारों ने मुआवजे की मांग करते हुए एसआर प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ितों का आरोप है कि एसआर द्वारा प्लांट से निकलने वाली राख से बंधा का निर्माण कराया गया है, वहीं मानकों के अनदेखी के चलते बांध बेहद कमजोर है। यह कोई नई बात नहीं है, बांध निर्माण से लेकर अब तक कई बार फूट चुका है, जिससे होने वाली भारी तबाही को यहाँ के ग्रामीण किसान गोपी गुप्ता, गोपाल, राजनाथ, श्याम सुंदर, छोटेलाल, जयसवाल ने बताया। कंपनी की लापरवाही के कारण 500 से ज्यादा किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। ऐसी समस्या किसान बार बार झेल रहा है, लेकिन इसका असर कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा है। मौके पर पहुंचे अतुल ने बताया कि गांव का मंजर बहुत दर्दनाक है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि राख से 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। खेतों और क्यारियों में 4 से 6 फुट राख भर गया है, जिससे साफ करने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। सिंगरौली परिक्षेत्र में प्रदूषण को लेकर एनजीटी का दरवाजा खटखटाने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता जगत नारायण विश्वकर्मा ने घटना को कहा कि यह घटना अधोगों को मनमानी की झलक है और क्षेत्र में जिस तरह मानकों की अनदेखी हो रही है, प्रशासन नहीं चेता तो उससे बड़ी घटना घट सकती है। सवाल उठाया कि तटबंध को इतनी मजबूत क्यों नहीं बनाया गया कि वह बरसात का पानी भी झेल सके। निर्माण के वक्त इसका ग्रामीणों ने काफी विरोध भी किया, लेकिन उनकी एक ना सुनाई गई। उनका मानना है कि प्रबंधन की लापरवाही के चलते यह घटना घटित हुई है। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, कहा जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी एस के चौधरी ने सेल फोन पर बताया कि टीम मौके पर भेजी गई है, जैसे स्थिति की रिपोर्ट मिलती है कार्यवाही की जाएगी। लेकिन स्थानीय प्रभावितों का आरोप है कि क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी कंपनियों के इशारे पर काम करते हैं, अन्यथा पहले भी घटनाएं घटित होती थी पर कार्यवाही नहीं की गई। बताइए क्या है मामला? यही है कि हम करसुआ लाल नहीं लेंगे। करसुआ लाल से हमको कोई मतलब नहीं है, न करसुआ लाल हम लेंगे, न वहाँ से हटाएंगे, न किसी को उजारेंगे। अपने नहीं हुआ क्या है आप? हुआ यही का कहना, देखिए कि सब बंधा फूट करके पूरा क्षति हो गया यहाँ है। अब पूरा घर यहाँ के उड़ गया, अब बगल में ये उड़ गया, क्या कहते हैं 5 बच्चों उसको निकाला गया। नुकसान कितना हुआ? नुकसान तो करोड़ों को हुआ है यहाँ। अच्छा, कंपनी वाले तो बोल रहे हैं ज्यादा नहीं नुकसान हुआ, करोड़ों को नुकसान हुआ यहाँ। आप लोग क्या चाहती हैं, क्या चाह रही हैं? हम तो चाह रहे हैं हमारा नुकसान ही मिला चाहे। हम तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ हम तो यहाँ से शिफ्ट नहीं होएंगे, ना अपना जमीन छोड़ेंगे। हम डैम हटा जाए यहाँ से, हम अपने जमीन में अपने रहेंगे, अपना वो राखी हटा दे यहाँ से। घर में भी घुसा हुआ है राख? पूरे घर में घुस गया है। अच्छा, रात रात में हम लोग बच्चों ले लेकर गली गली से भाग रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कलावती गुप्ता। ठीक सर, 9:30 के आसपास पानी घुस गया था। हम लोग बाहर लेके बच्चे निकाल के बाहर भाग गए, रोड में रात भर रोड में रुके थे। रोड में रहे? रोड। कुछ नुकसान हुआ? नुकसान सर वो 5 बकरी बह गई और 2 गाय और 1 झोपड़ी सहित। अच्छा, अभी क्या है? एक हैंडपंप। हाँ। और घर में पूरा सर 1 फुट लगभग वो राखी पड़ गई, राख भरा हुआ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल। पिता का नाम राजनाथ जायसवाल। हुआ क्या लगता है? नुकसान 2 किलोमीटर तक पूरे क्षतिग्रस्त हो गए और नुकसान तो 2-4 करोड़ का हो चुका है। आपका क्या नुकसान हुआ? मेरा दो बांध नुकसान हो चुका है और पानी चले गया और रोपाई हुई थी वो पूरा खत्म हो गया। उदा रहर मतलब ये खेती में भी प्रभावित हुआ, घर में भी। क्या चाह रहे हैं आप? हम तो यही चाह रहे हैं कि सबसे पहले ये क्लियर करें, हम लोग को शिफ्ट करें,
कहीं अस्थाई या जमीन के बदले हम लोग को जमीन दे, ये जमीन हमारे किसी काम का नहीं रह गया। क्या नाम है? ओम प्रकाश जायसवाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।